हिंदुत्व के प्रयोग का नेक्स्ट लेवल, उत्तर से दक्षिण तक के लिए संघ ने बनाया मंदिर प्लान। राहुल गांधी मंदिर जाएं या अखिलेश, अलापे हिंदुत्व का राग, हर रणनीति फेल करने की तैयारी। जिस पिच पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट है शानदार, वहां विपक्ष खेल रहा खेल, मिलेगी बड़ी मात। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बार विपक्ष से बड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। विपक्षी एकजुटता के अलावा बीजेपी का कोर मुद्दा हिंदुत्व भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लपकने लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं सहित राहुल प्रियंका का मंदिर मंदिर जाना उसी सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग के तहत हो रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने उस सॉफ्ट हिंदुत्व से निपटने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो विरोधियों को पस्त कर देगा। बीजेपी और संघ मंदिर की राजनीति को एक अलग लेवल पर लेकर जा रही है। राम मंदिर, मथुरा, काशी के मुद्दे के अलावा बीजेपी देश भर के छोटे बड़े मंदिरों के आसपास अपनी चुनावी बिसात बिठाने जा रही है। हिंदुत्व बीजेपी का कोर एजेंडा है, इसी के जरिए बीजेपी ने अल्पसंख्यक राजनीति से अलग बहुसंख्यक की राजनीति कर 3 से 303 सीट का सफर तय किया। 2019 चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष के कई दल ने खासकर कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कई सारी धार्मिक कथा बोलते रहे हैं, वो अपने आप को हनुमान भक्त भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हिंदुत्व की लाइन के जरिए राम गमन पथ, कौशल्या मंदिर जैसे कई प्रयोग किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी खुद को हनुमान भक्त कहते हैं, लिहाजा हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी के विरोधी कॉम्पिटिशन में भी हैं। इसलिए बीजेपी ने अब सांकेतिक तौर पर राम मंदिर के अलावा देश भर के जिले, आंचल, प्रखंड स्तर के मंदिरों को भी अपनी राजनीतिक रणनीति में जोड़ने की तैयारी की है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में मंदिर के आसपास वाले इलाकों से भाजपा को बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग ट्रेंड देखकर ये बातें हैं, लेकिन दक्षिण भारत इसका अपवाद है। लिहाजा कर्नाटक हार के बाद बीजेपी ने देश भर के मंदिरों के साथ साथ विशेष तौर पर दक्षिण भारत में मंदिर के इर्द गिर्द ही अपनी चुनावी रणनीति तय करने का फैसला किया है। बीजेपी हर हाल में 2024 का किला फतेह करना चाहती है और पार्टी को यह भी पता है कि इस जीत के बगैर दक्षिण का दुर्ग भेद प्राप्त करना नामुमकिन है। इसलिए बीजेपी दक्षिण के अलावा जिन राज्यों में भी कमजोर है वहां मंदिरों के आसपास वोटरों की सिलसिलेवार मैपिंग करा रही है। पार्टी नेताओं को यह कहा गया है कि अपने इलाके के जर्जर पड़े मंदिरों को ठीक करवाएं। यह गुप्त मिशन काफी समय से चल रहा है। बीजेपी के नेताओं या उनसे जुड़े संगठनों ने 1,00,000 मंदिर या तो बनाए हैं या उसका जीर्णोद्धार करवाया है। बीजेपी से जुड़े कुछ धार्मिक संगठनों ने पिछले कुछ समय में मंदिरों के निर्माण में काफी तेजी से काम शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी संघ के अलग अलग संगठनों ने दक्षिण में 1.03 लाख हनुमान मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। कोंकण बेल्ट और आसपास के इलाकों में कुल 78,000 ग्रामदेव और देवी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया। 26,000 मुर्गन मंदिरों की देखरेख का जिम्मा संभाल रखा है। मंदिर के आसपास की आबादी की मैपिंग का काम देख रही कोर टीम के एक पदाधिकारी के अनुसार देश के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 485 मंदिर हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 3,683 मंदिर पड़ते हैं। थोड़ा और बारीकी से देखें तो हर गांव में औसतन 3.5 मंदिर हैं। हमने सर्वे में पाया कि हर गांव में औसतन 1.27 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनके आसपास की आबादी के बीच में मंदिर हैं। ये वही बूथ हैं जहां भाजपा को उम्मीद से बढ़कर समर्थन मिला है। पिछले 9 साल में राम मंदिर का निर्माण हो या काशी कॉरिडोर या उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर या केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, देश के बड़े धार्मिक स्थलों का मोदी सरकार ने खूब विकास किया। बीजेपी 2024 चुनाव के लिए जनता के सामने धर्म, संस्कृति और विकास का मोदी मॉडल प्रस्तुत करेगी। मंदिरों में अगर हिंदुत्व की लहर उठी तो पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। लोकल मंदिरों को लेकर बीजेपी की रणनीति माइक्रो स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। बीजेपी की मंदिर वाली माइक्रो मैनेजमेंट पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।